हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों मैं हूं संजीव और आप देख रहे हो हमारे चैनल लर्निंग फ्राइडे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने LIC की पॉलिसी में अपना आधार नंबर और अपना पैन नंबर आप लिंक कर सकते हो। दोस्तों ये बहुत ही आसान है, इसको करने में आपको सिर्फ एक मिनट लगेगा और आप इसको ऑनलाइन कर सकते हो। तो यही सब मैं आज के इस वीडियो में आपको मैं दिखाने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो जल्दी से शुरू करते हैं। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर, और अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो कर दीजिए कमेंट। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने गूगल में लिखना है LIC इंडिया। तो यहाँ पे आपको LIC की वेबसाइट मिल जाएगी, आपको उस पर क्लिक करना है। तो दोस्तों LIC की वेबसाइट की होम पेज पे आप देखोगे यहाँ पर एक लिंक लगा रखा है LIC आधार एंड पैन टू पॉलिसी वाले में, उस पर आपको क्लिक करना है। दोस्तों उसके बाद लिंक योर आधार एंड पैन टू योर LIC पॉलिसी वाला पेज खुल जाएगा। आप देखोगे दोस्तों यहाँ पर कुछ इन्होंने अटेंशन दे रखा है, यानी कि आपको जो आपके आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वही डालना है, ये बता रहे हैं यहाँ पर। अगर आप कोई दूसरा नंबर डालोगे तो वो काम नहीं करेगा, आपको वही नंबर डालना है जो आपके आधार से रजिस्टर्ड है। तो हम यहाँ पर करते हैं प्रोसीड। तो दोस्तों कुछ इस तरह का पेज आपके सामने खुल जाएगा। सबसे पहले तो आप दोस्तों यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, और वो नाम आपको लिखना है एज इट इज़, जैसे आपके आधार पर लिखा हुआ है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है। उसके बाद आपको नीचे भी आपको डालना है आधार का नंबर। उसके बाद अपना जेंडर यहाँ पर डालना है। उसके बाद आपका जो भी ईमेल आईडी है वो डाल दीजिए। उसके बाद आपका जो पैन नंबर है वो डालना है आपको यहाँ पर, पैन कार्ड का नंबर। उसके बाद आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है। दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना है, मोबाइल नंबर वही होना चाहिए जो आपके आधार में रजिस्टर्ड है। अगर आपके आधार पर नंबर दूसरा रजिस्टर्ड है तो पहले आप उसको चेंज करवाइए, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। आपको वही नंबर यहाँ पर डालना है जो आपके आधार में रजिस्टर्ड है। उसके बाद आपको अपने LIC की पॉलिसी नंबर यहाँ पर डालना है। और आपके अगर मल्टीपल पॉलिसी है तो आप यहाँ पर ऐड पॉलिसी करते रहोगे। तो चलो दोस्तों मैं पहले जल्दी से इसको भर लेता हूँ। दोस्तों अगर आपके पास एक से ज्यादा पॉलिसी है तो आपको यहाँ पर पॉलिसी नंबर ऐड करते जाना है, ऐसे जो भी आपका पॉलिसी नंबर है बस आप उसको ऐड करते जाइए और ये सारी आपकी ऐड हो जाएंगी। अगर एक ही है तो आप उसको यहाँ पर डाल दीजिए। उसके बाद नीचे पे टर्म कंडीशन में आप क्लिक कर दीजिए। देन उसके बाद जो नीचे पे यहाँ पर कैप्चा दे रखा है सिक्योरिटी कोड यानी कैप्चा, उसको अब यहाँ पर एंटर कर लीजिए, जो भी नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, जो भी अल्फाबेट यहाँ पर लिखे हुए हैं। और उसके बाद आप गेट OTP पे क्लिक कर दीजिए। तो दोस्तों इस तरह से आपकी जो डिटेल होगी यहाँ पर शो कर देगी, जो भी आपने फिलअप किया है। आप एक बार वेरीफाई कर लीजिए आपने कुछ गलत तो नहीं डाला। आपको लगता है मेरा सब कुछ सही है तो आपके मोबाइल में तो OTP आ चुका होगा भी, वो OTP आपको यहाँ पर डालना है और उसके बाद आपको सबमिट करना है। तो दोस्तों इसके बाद आपको सक्सेस का मैसेज आ जाएगा, यहाँ पर लिखा आएगा योर आधार डिटेल रिसीव फॉर लिंकिंग टू योर फॉलोइंग LIC पॉलिसी, कन्फर्मेशन SMS एंड ईमेल विल बी सेंड टू योर आफ्टर वेरिफिकेशन विथ UIDAI। तो दोस्तों ये आपका सक्सेसफुल लिंक हो चुका है, और जो कन्फर्मेशन SMS और जो ईमेल है वो आपको आएगा जब वेरीफाई कर लेगा UIDAI। तो देखा है दोस्तों कितना आसान है अपने LIC पॉलिसी में अपना आधार नंबर और अपना पैन नंबर लिंक करवाना, और ये इसको करने में सिर्फ एक मिनट लगा आपका। तो आई होप दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारी वीडियो को जल्दी से कर दीजिए लाइक और शेयर। अगर आपके मन में कोई सवाल है या कोई सुझाव है तो जल्दी से लिख दीजिए हमारे कमेंट सेक्शन में। और अगर आप हमारे चैनल पर बिल्कुल नए आए हैं दोस्तों तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि मैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियोस लेके आता रहता हूँ।